तेरे को मालूम नायक सस्पेंड हो गया। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा भाई। जरूरत के वक्त उसने मुझे 50,000 दिए थे, ये लौटाने आया तो वो आया ही नहीं। कितना होगा भाई? 40 रुपए। महाकाली के मंदिर के पास वो लोग मिलेंगे। शायद नायक सर वहां ना मिले लेकिन उनकी पत्नी मिलेगी। वहां जाकर पैसे दे आओ। क्यों रे, पैसे दिए उन्होंने? हेलो। हाँ सुगनम, बोलो। अरे फोन तेरी बीबी ने नहीं करा। 50 ग्राम फोन के साथ साथ 50 किलो भी तेरी लुगाई ने भी उठा लिया यहाँ। एक ध्यान से सुन, डैनी सर से पंगे मत ले भाई। चुपचाप कॉम्प्रोमाइज कर ले, ना तो अगली बार तेरी सुंदर सी लुगाई शमशान घाट में मिलेगी और तने फोन करेगा यमराज। जा चाबी लेकर आ। के कहां तक भागेगा? जहन्नुम से भी ढूंढ निकालूंगा मैं तुम्हें। भाग साले भाग। बता डैनी कहां है? मन्ना नहीं पता। नहीं पता तेरे को? नहीं पता? नहीं पता? नहीं पता क्या साले? ले साले, चल भाग, भाग, सुगड़ कोट, अब मर। खोलो। डैनी कहाँ है? सुनाई नहीं दे रहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? ताला लगाया था ना, अब खोल, खुद खोल, खोल ताला। खोल जल्दी, खोल वरना इसी चेन से फांसी लगा के मारूंगा तुझे। खोल साले। कहाँ डैनी,
मेरे बीवी बच्चे को उठा लाए, मेरे बीवी बच्चे तक पहुंच गए, हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? मेरे बीवी है वो भीमराव नायक की बीवी, मेरा परिवार है, हिम्मत कैसे हुई? क्या पूछा मैंने, क्या पूछा मैंने? ये यहाँ क्या कर रहा है? जब देखो किसी न किसी को मारता ही रहता है, पर ये इन्हें मार क्यों रहा है? पता नहीं कौन है ये लोग। एक मिनट, गाड़ी रुक। इन चूजों को भेजा था ना, इन्हें भेजा था ना, मैं बताऊं इन्हें भेजा था ना। ए, क्यों मार रहा है इन्हें? मेरे परिवार को हाथ लगाया, इन्हें भेजा था ना, मेरे परिवार के लिए, भीमराव नायक के परिवार के लिए। डैनी, मामा जी ने भेजा था, मैं कुछ नहीं जानता। ए, ये मेरे पापा ने किया है, इनकी पेमेंट तेरी अम्मा करेगी। माँ पे मत जाना। तेरी अम्मा का सिर्फ नाम लिया तो बड़ा गुस्सा आया, मेरे परिवार को हाथ लगाया तो मुझे कितना गुस्सा आएगा? और अब हाथ उठाता है बेशरम कहीं का। नायक, उन्होंने जो किया है तेरे मारने से ठीक हो जाएगा? खुद को पुलिस वाला समझ रहा है? पुलिस वाला दिख रहा हूँ क्या मैं तुझे? पुलिस वाला दिख रहा हूँ क्या? तू ही जला सकता है क्या? देख, अब मैं भी जलाता हूँ, देख जब मैं जलाता हूँ तो कैसे चलता है। तभी तुझे तेरी औकात बताता है अपन, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरी बात सुनो नायक, सुगना को कुछ नहीं हुआ, सुगना बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी सही सलामत है, तुम जाके उन्हें संभालो, मैं यहाँ से देख लूंगा। तुम मेरी बात को समझो नायक प्लीज, मैं हूँ ना, अगर उन्हें कुछ हुआ हो तो मेरा सर काट देना। अब जाओ, मेरी बात सुनो नायक, भरोसा करो, जाओ नायक जाओ, इट्स ओके, रिलैक्स, तुम जाओ। याद रखना मेरे हाथ चढ़ गया ना तू। अरे जा रे तू, जा जा। यहाँ तमाशा चल रहा है क्या? जाके उन्हें अरेस्ट करो। चलो इनको भी। भाई मैं निर्दोष हूँ, चलो, मैंने कुछ नहीं करा। वो चिल्लाएगा तो डर जाओगे, उससे भी जोर से चिल्ला सकता हूँ। कौन है वो? बहुत बड़ी तोप है क्या? मामूली ऐसा ही है, सस्पेंडेड। डैनी, आज तक तुमने सिग्नल पर खड़े कॉन्स्टेबल्स को और चेकपोस्ट पर खड़े पुलिस वालों को मैनेज किया होगा, लेकिन पुलिस की औकात को भूल गए तुम। असल में नायक पुलिस वाला ही नहीं है। एक शेर को पिंजरे में डालकर कंट्रोल किया जाता है, वैसे उसे यूनिफॉर्म पहनाकर कंट्रोल किया था और आज तूने उसे फाड़ दी। तूने देवरा का नाम कभी सुना है? नहीं सुना ना? वो देख, उसे जरूर पता होगा वो किसका नाम है, उसके पीछे की कहानी क्या है। इस शहर के कई लोग जानते हैं लेकिन बात कोई नहीं करता।
इट्स लाइक अ सेक्रेड ओथ। डैनी, उसने तेरा हाथ मरोड़ा था ना, समझ ले मौत ने तुझे झकड़ा था। नसों में खून रुक जाता है, बीपी बढ़ जाता है, सांसें नहीं आती, इंसान तड़प कर मर जाता है। यही है नायक की टेक्निक। सो जस्ट बी केयरफुल।